हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिने प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बेहद कमाल की मूवी के बारे में, द मेन्यू। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहूँ तो ये एक बेहद कमाल की मूवी थी और आज मैं इसी मूवी की थीम के बारे में बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली द मेन्यू वॉज अ मेटाफोरिकल कमेंट्री ऑन आर्ट एंड आर्टिस्ट, रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स एटसेट्रा। ये मूवी हमें दिखाती है कि कैसे एक कलाकार अपनी कला में इतना ज़्यादा लीन हो जाता है कि उसे परफेक्शन के अलावा कुछ नहीं दिखता, और वो उस परफेक्शन को पाने के लिए, जनता से तारीफ पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। और वहीं दूसरी ओर क्रिटिक्स या फिर कहूँ तो ऑडियंस सिर्फ नाटक करते हैं उस कलाकार की कला को पसंद करने का, या तो कूल दिखने के लिए या फिर दूसरे लोगों के दबाव में आकर। आप यहाँ पर मूवीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑस्कर मूवीज़ को सिर्फ कूल दिखने के लिए या फिर फ्लैक्स मारने के लिए पसंद करते हैं, बाकी समझ उन्हें घंटा कुछ नहीं आता। चलिए टॉपिक से बाहर नहीं आते और वापस इस मूवी पर चलते हैं। तो अगर हम इस मूवी के लास्ट सीन को देखें, जब आन्या टेलर जॉय एक नॉर्मल सिंपल हैमबर्गर ऑर्डर करती है, तब हमें इस मूवी का कॉन्क्लूजन पता चलता है। समटाइम्स जनता को सिंपल चीज़ें पसंद आती हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, जस्ट सिंपल। मूवीज़ का ही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स ऑल पीपल वांट इज अ सिंपल मूवी विच टेस्ट्स गुड, मेक देम हैप्पी एंड लिफ्ट अप देयर मूड, विच दे कैन एंजॉय लेटर एज वेल विदाउट यूजिंग टू मच ब्रेन। मतलब हर बार जनता को आर्ट वाली मूवीज देखने का मन करे ऐसा ज़रूरी तो नहीं। कभी कभार उन्हें सिंपल मसाला मूवीज चाहिए होती हैं जो उनकी क्योटिक लाइफ में थोड़ा फन लेकर आए, कॉम्प्लेक्स ना हो, उनका सारा दिमाग भी कंज्यूम ना करे और उनका मूड भी लिफ्ट अप कर दे। और अगर हम मूवी के लास्ट सीन को देखें तो हैमबर्गर बनाते समय शेफ बेहद खुश था, वो इंजॉय कर रहा था, आखिर उसने शुरुआत भी तो इसी हैमबर्गर से की थी। सो ओवरऑल कहूँ तो ये मूवी एक आर्टिस्ट की मैडनेस को दिखाती है कि कैसे वो परफेक्शन के लिए, प्रेज के लिए भूखा होता है, और वहीं ऑडियंस सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, समाज में कूल और अलग दिखने के लिए उसकी कला की तारीफ करती है, बिना उसकी थीम समझे, बिना उसका मतलब समझे। पर कभी कभी जनता को इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ चाहिए ही नहीं होती। समटाइम्स ऑल दे वॉन्ट इज सिंपल थिंग्स जो उन्हें मज़ा दे, इस दर्द भरी दुनिया में खुशी दे, भले ही कुछ पल के लिए ही सही।